दोस्तों, कभी आपके घरों में क्या ऐसा हुआ कि आपका जो सोप डिस्पेंसर होता है उसमें से साबुन निकलना बंद हो जाए, लिक्विड निकलना बंद हो जाए और बाहर आना बंद हो जाए? मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। मैं कोशिश कर रहा हूँ इसमें से निकालने के लिए लिक्विड सोप, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहा। तो आज मैं इसका पूरा पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं क्या होता है, किस वजह से नहीं आ रहा इसमें से सोप बाहर। तो बाहर से सबसे पहले ऊपर का जो लेड है वो निकाल लीजिए, इसके बाद प्रेस करने वाला बटन भी हटा लीजिए और नीचे का पार्ट भी निकाल लीजिए। ये सारा कुछ निकल जाता है, प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं, आसानी से निकालिए, ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए, सोप तो पूरा ऊपर है और मैंने इसको खाली कर लिया एक अलग बर्तन में और सारे पार्ट्स इसके अलग अलग कर दिए हैं। आप देख सकते हैं, छोटा छोटा हिस्सा भी इसका अलग कर दिया मैंने, लॉक भी पड़ा हुआ है और नीचे वाला हिस्सा अलग है। और ये वो बीच वाला हिस्सा है जिसमें से कि सोप डिस्पेंस होकर बाहर आता है, इसमें बीच में आपको एक कट लगा दिखाई दे रहा है, यही प्रेस होता है। दरअसल जब हम बटन दबाते हैं इसका, तो इसी पार्ट को दबाने से सोप बाहर आता है। नीचे की तरफ बंद है ये, यहाँ से कोई मतलब नहीं। वापस इसको फिट करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा पार्ट है ये रबर का, इसको लगा दीजिए अच्छी तरीके से, क्योंकि ऐसा कोई टूट फूट भी नहीं हुई, कोई पार्ट इसमें से गायब भी नहीं, तो कह नहीं सकते किस वजह से सो बाहर नहीं निकल पा रहा। दोबारा से लगाते हैं, शायद कुछ ऐसा रहा हो या कोई चीज़ मिसप्लेस हो गई हो, ऐसा भी नहीं, सारे पार्ट्स इसके इंटैक्ट हैं। दोस्तों, मैं ऐसे बहुत से वीडियोस बनाता रहता हूँ। अब ये देखिए, इसके बाद इसको भी मैंने लगा दिया, तीसरा हिस्सा जो है कैप ऊपर की, ये बहुत टाइट है, ये प्लास्टिक की है, कैप लगा दी और इसको अच्छे से टाइट भी कर लेते हैं, ये कैप भी टाइट हो गई। अब नीचे वाला कंटेनर का जो कवर है वो भी लगा देते हैं, इससे बस थोड़ी सी खूबसूरती बढ़ जाती है। और ये यहाँ पर आपका दो लॉक्स हैं, दोनों तरफ लॉक से ये सेट हो जाएगा यहाँ पर, तो ये सेट हो गया, ये देखिए सेट हो गया। अब यहाँ पर बचता है हमारा बटन प्रेस करने वाला, वो भी लगा देंगे। और ये लॉक जो इसके साथ एक की आती है, वो की से ये लॉक हो जाता है। तो सामने का पार्ट अंदर और ये पीछे की तरफ, इसमें एक छोटा सा हिस्सा और है, उससे इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद इसको वापस फिट कर देंगे कंटेनर के साथ ही। तो कुछ छोटे छोटे पार्ट्स मिलाकर एक बढ़िया सी चीज़ बन जाती है। और हमेशा तो कोई खोलता नहीं, लेकिन मेरी आदत है, जब भी कोई चीज़ ख़राब होती है मैं सबसे पहले खुद सही करने की कोशिश करता हूँ। और ये इसका लॉक वाला हिस्सा है, प्लास्टिक का है, तो संभाल के लगाइए। लॉक का हिस्सा भी फिट कर दिया। और इसके बाद सामने बटन, और बटन के बाद फ्रंट में जो एक ये लंबा सा हिस्सा दिखाई दे रहा है प्लास्टिक का, ये भी इसमें लगाएंगे। ये बहुत आसानी से, आप अगर आप आहिस्ते से लगाएंगे तो लग भी जाएगा, और बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं, वरना टूट भी सकता है। ये देखिए, मैंने फाइनली इसको लगा दिया और ये हमारा असेंबली बाकी पूरी हो गई, जैसा आया था वैसा ही हो गया। ऊपर की तरफ लॉक और लॉक के ऊपर लिड, जिससे कि बंद हो जाता है। चलिए पहले इसमें पानी डाल के देखते हैं क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि अभी तो पूरा खुला हुआ है, खोल सकते हैं दोबारा से। और लिड को बंद करके एक बार प्रेस करके देखते हैं बटन से क्या पानी निकल रहा है। ये मैंने इसको दबाया, अभी तो खैर, हाँ पानी तो बाहर आ रहा है, पानी बाहर आ रहा है, लेकिन जो सोप होता है वो थोड़ा सा थिक होता है, तो क्या वो बाहर आ पाएगा वो भी देखना पड़ेगा। चलिए इसमें सोप भी भर लेते हैं वापस, और सोप भरने के बाद देखते हैं क्या इसका ये डिस्पेंसर काम करना शुरू कर दिया इसने या नहीं किया, क्या मेरी मेहनत सही रही या बेकार हो गया ये। हालांकि ऐसा कोई हिस्सा है नहीं, कोई टूट फूट है नहीं। ये देखिए, अब दबा के देखते हैं, अभी तो खैर पानी निकल रहा है क्योंकि पानी इसमें भरा हुआ था, लेकिन अब शायद इसमें से हाँ निकलना शुरू हो गया है। तो दोस्तों, ऐसे बहुत से वीडियो में बना के लाता रहता हूँ, हाथ पे मैं निकाल के देखता हूँ, बिल्कुल निकल रहा है, फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पहली बार आए हैं, बेल आइकन दबाइए, वीडियो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।